रविंद्र कौशिक, जिन्होंने भारत से पाकिस्तान में एक जासूस बनके कदम रखा और इतनी गुप्त जानकारियां भारत को दी कि पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, जब रविंद्र कौशिक पाकिस्तान द्वारा पकड़े गए तो कुछ रूल्स की वजह से भारतीय सरकार ने उन्हें पहचानने से भी मना कर दिया था। लेकिन जो रविंद्र ने देश के लिए कर दिखाया था, उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी के चलते इनके लाइफ पे एक जॉनी ब्राइम की मूवी बन रही है जिसका नाम है रॉ, जिसमें रविंद्र कौशिक की बहादुरी को बारीकी से दिखाया जाएगा। और आज मैं आपको इस वीडियो में रविंद्र कौशिक की जिंदगी का पूरा सफर बताऊंगा कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान में एक जासूस के तौर पर घुस के पाकिस्तानी आर्मी के मेजर तक बन गए थे। इस कहानी की शुरुआत होती है 11 अप्रैल 1952 से, जब श्री गंगानगर में एक मिलिट्री ऑफिसर के घर रविंद्र कौशिक का जन्म हुआ। एक सोल्जर के घर जन्म होने से अनुशासन तो इनकी जिंदगी में शुरू से ही था और हमेशा से ही इनके मन में देश के लिए कुछ करने की चाह भी थी। लेकिन इसके साथ साथ इन्हें एक्टिंग का काफी शौक था और ये अक्सर अपने कॉलेज के और एक्टिंग फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते रहते थे और ये एक्टिंग इतनी अच्छी किया करते थे कि अक्सर इनकी एक्टिंग की प्रशंसा होती थी। इनकी इसी बेहतरीन एक्टिंग के चलते एक रॉ अधिकारी की इनकी एक्टिंग पर नजर पड़ी और इसी दौरान रॉ एजेंसी को एक ऐसे जासूस की जरूरत थी जिसे कि वे पाकिस्तान भेज के वहां से गुप्त जानकारी हासिल कर पाए और इस काम के लिए उन्हें रविंद्र पूरी तरह से ठीक लगे। अब रविंद्र को रॉ की तरफ से अप्रोच किया गया। शुरुआत में तो ये थोड़े घबरा गए और इन्होंने मना कर दिया, लेकिन बाद में इन्हें एहसास हुआ कि देश के लिए कुछ करने का यही एक मौका है, तो इन्होंने इस काम के लिए हाँ कर दिया। अब दिल्ली में रविंद्र की ट्रेनिंग हुई जिसमें इनकी भाषा से लेकर इनके रहन सहन तक सब कुछ चेंज कर दिया गया और 1975 को अपने नए नाम नाबी अहमद सकीर से उन्हें पाकिस्तान भेजा गया। वहाँ जाके इन्होंने LLB में एडमिशन ले लिया और पाकिस्तान की ही एक लड़की अमानत से शादी कर ली। इसी दौरान वे अक्सर भारत भी आया करते थे, जिसमें वे पहले पाकिस्तान से दुबई जाया करते थे और वहाँ से फिर दिल्ली आया करते थे ताकि पाकिस्तान को शक ना हो पाए। अब इन्होंने पाकिस्तानी आर्मी ज्वाइन कर ली और अच्छी क्वालिफिकेशंस की वजह से इन्हें वहाँ बहुत जल्दी प्रमोट भी कर दिया गया और ये सिर्फ कुछ ही दिनों में वहाँ मेजर बन गए। अब ये छोटी मोटी गुप्त जानकारी भारत को भेजने लगे, जिसमें कि पाकिस्तान अक्सर भारत पर हमले की कोशिश करता रहता था, लेकिन रविंद्र उन हमलों से पहले वो जानकारी भारत में पहुंचा दिया करते थे, जिससे कि भारत पहले ही सतर्क हो जाता था। 1979 में इन्होंने बहुत अहम जानकारी भारत में पहुंचाई, जिसके बाद इनका कोड नेम ब्लैक टाइगर रख दिया गया। अब भारत ने एक और एजेंट पाकिस्तान भेजा जिसका नाम था इनियात मसीहा। इस एजेंट से रविंद्र के टच में रहने को कहा गया, लेकिन ये एजेंट जैसे ही पाकिस्तान पहुंचा, ये अपनी पहचान छुपाने में नाकाम रहा, जिसके बाद पाकिस्तानी आर्मी ने इसे पकड़ लिया और जब इससे सच उगलवाने के लिए इसे टॉर्चर किया गया, तो इसने अपने साथ साथ रविंद्र कौशिक के बारे में भी पाकिस्तानी आर्मी को सब कुछ बता दिया। इसका बयान सुन के पूरी पाकिस्तानी आर्मी शॉक थी। अब रविंद्र कौशिक को पाकिस्तानी आर्मी द्वारा पकड़ लिया गया और इनको भी टॉर्चर किया जाने लगा, लेकिन इन्होंने बहुत दिन के टॉर्चर के दौरान भी भारत के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला, जिसके बाद इन्हें पाकिस्तान द्वारा फांसी की सजा सुना दी गई, लेकिन बाद में इनकी सजा को कम करके उम्र कैद कर दिया गया। अब इन्हें पाकिस्तान की कई अलग अलग जेल्स में रखा जाने लगा और इन्हें अस्थमा और टीवी जैसी कई बीमारियां हो गई। भारत से इनके बारे में पूछा गया, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पहचानने से भी मना कर दिया। अब ये जेल से ही अपनी फैमिली को चिट्ठी लिखकर भेजते रहते थे, जिसमें अपनी फैमिली को अपने टॉर्चर और अपनी बीमारियों के बारे में बताया करते थे, लेकिन अब चाहते हुए भी कोई कुछ नहीं कर सकता था और बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाने की वजह से 21 नवंबर 2001 को मुल्तानी जेल में इनकी मृत्यु हो गई। भारत ने इनकी डेड बॉडी लेने से भी मना कर दिया, इसलिए रविंद्र को उसी जेल में दफना दिया गया। दोस्तों, ये थी कहानी भारत के ब्लैक टाइगर की, जिन्होंने देश के लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबा के आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारी हर अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करेगी।